ऐसा लग रहा है अभी तक 20 दिन की जर्नी आपकी हो चुकी है, ये 21वीं दिन का एपिसोड है आपका, एंड आई एम श्योर आपके अंदर डेवलपमेंट होना चालू हो गया है, आई एम श्योर आप मेरे साथ सिंक इन होना चालू हो गए हैं, आई एम श्योर आपको ये इफेक्ट दिखना चालू हो गया है। क्योंकि देखिए, आपने अगर 20 दिन तक इनको कंटिन्यू सुन लिया है तो इसका सिंपल सा मतलब है आप डेडिकेशन में हैं, आप डेडिकेटेड हैं, आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। इसी समय अपना सीधा हाथ उठाइए एंड पैट योर ओन बैक, माय डियर फ्रेंड, पैट योर ओन बैक। वेल, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बात किया कि पर्सनल डेवलपमेंट करना चाहिए, इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने बात किया आदत बदलनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। आपको लगा होगा यार अब तो बहुत लोड हो गया है, बहुत कुछ करना है, कैसे करूं, तो आज के वीडियो में इसका थोड़ा सा सोल्यूशन है। देखिए, मैंने बहुत सारी कंपनीज में काम किया है और बहुत सारी कंपनीज को मैंने कोच किया है और बहुत सारी किताबें पढ़ने, वीडियो देखने और लोगों से मिलने के बाद एक चीज़ समझ में आई कि जितने भी बड़े लोग हैं ना, वो एक सिंपल सी चीज़ करते हैं, वो चीज़ों को आसान बनाते हैं, और वो आसान बनाने के लिए एक छोटी सी चीज़ जो करते हैं, वो करते हैं थीम क्रिएशन। वो क्या करते हैं? थीम बनाते हैं। मैं आपको उदाहरण के थ्रू समझा सकता हूँ। उदाहरण के थ्रू ये है कि जैसे मोदी जी को इलेक्शन जीतना था तो उन्होंने एक छोटा सा थीम बनाया और पूरे देशवासियों को उसको मार्केट किया, अब की बार मोदी सरकार। ये उनका स्लोगन भी बन गया, ये थीम भी बन गया, थीम्स क्रिएट फोकस। फिर मोदी जी को भारत को स्वच्छ बनाना था तो उन्होंने फिर से एक थीम ले लिया, स्वच्छ भारत अभियान। ये एक थीम बन गया दोस्तों, ये एक थीम बन गया, इसका लोगो हो गया, इसका एक ब्रांडिंग हो गया और धीरे धीरे इसको मार्केट किया गया तो हर देशवासी को समझ में आ गया कि यार ये स्वच्छ भारत करना है, ये एक इनिशिएटिव हो गया। ऐसे ही एक थीम बनाया गया मेक इन इंडिया, जब मेक इन इंडिया बना तो इसको पूरे देश का फोकस आ गया भारत के अंदर बनाने में, उद्योगों का विकास करने में, मेक इन इंडिया। दोस्तों, जब इंडिया दूध नहीं था और काफ़ी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था तो एक किसी ने थीम बना दी दूध क्रांति, एंड ऑटोमेटिकली एक क्रांति आ गई, वाइट फ्लड रेवोल्यूशन, यानी दूध और दूध के प्रोडक्ट से रिलेटेड बढ़ोतरी, इससे काफ़ी लोगों को रोजगार भी मिलने लगा और भारत नंबर वन निर्यातक बन गया दूध के प्रोडक्ट्स का। ऐसे ही जब हरियाली नहीं थी, गेहूं नहीं हो रहा था और अकाल पड़ रहा था तो किसी ने एक क्रांति, एक थीम बना दी हरित क्रांति, यू नो ग्रीन रेवोल्यूशन, और धीरे धीरे नदियों को जोड़ा जाने लगा और धीरे 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 देश में उन्नति होने लगी, एंड इंडिया बिकेम नंबर वन सप्लायर ऑफ वीट एंड वीट प्रोडक्ट्स। एम आई राइट? दैट्स व्हाट द थीम इज। आज ही थीम बनाइए। मैं इसके साधारण उदाहरण देता हूँ। मेरा एक बैच है, एक ग्रुप है जिसका नाम है MIG 21। MIG 21 एक बिजनेसमैन का ग्रुप है, काफ़ी सारे बिजनेसमैन, अराउंड 20-25 बिजनेसमैन हैं जो कि उस बैच के अंदर कोचिंग ले रहे थे। तो एक दिन ऐसे ही बातों बातों में बात चली कि यार सब ओवरवेट हो रहे हैं, क्यों ना हम अपना वेट कम करें, क्यों ना एक्सरसाइज कम करें। मैंने कहा थीम बनाओ, तो बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद एक जबरदस्त थीम निकल के आई, है दम तो कर कम। The moment we made this theme, let me tell you, everybody started committing. I am going to lose 10 kg, I am going to lose 15 kg, I am going to lose 5 kg, I am going to lose 25 kg. और सबने commitment दिया, मैं 3 महीने में करूंगा, मैं 1 महीने में करूंगा, मैं 15 दिन में करूंगा, किसी ने कहा मैं cycling चलाऊंगा, किसी ने कहा मैं जिम ज्वाइन करूंगा। And guess what दोस्तों, everyone followed, क्योंकि थीम में ही पावर था। ग्रुप का नाम व्हाट्सएप पे रख दिया गया, है दम तो कर कम, है दम तो कर कम, कोई ना कोई रोज याद दिलाने लगा है दम तो कर कम। मेरे एक मित्र है मिस्टर राकेश शिंदे, जिनकी एक कंपनी है आर्म्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आगे बढ़ना चाहती थी, 40-45 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंच गई थी, 40-45 करोड़ से आगे बढ़ना था। एंड अचानक से मैंने, मेरे पास जब वो डिस्कशन के लिए बैठे थे तो मैंने कहा आइए थीम बनाते हैं। एंड बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग, 7 दिन का समय लगा हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में। उनकी टीम रोज बैठती, नई थीम लाती, मेरे पास आते, मैं हमेशा कहता नहीं यार कैंसिल है, नया थीम। फाइनली एक पावरफुल थीम आया जिसपे पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को फेथ हो गया और उन्होंने एक थीम बनाया, आर्म्स इंडिया के हाथ 10,000 लोगों के साथ, क्योंकि उनका लक्ष्य था 10,000 लोगों को रोजगार देना और 1-1.5 साल के अंदर वो करना था। एंड दोस्तों, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, दे हैव ऑलमोस्ट रीच्ड देयर। आर्म्स इंडिया के हाथ 10,000 लोगों के साथ, जैसे ही उनकी मीटिंग चालू होती कोई तो बोलता आर्म्स इंडिया के हाथ और बाकी सब लोग बोलते 10,000 लोगों के साथ। एक थीम बन गया, वो थीम बनके के बाद धीरे धीरे काम होना चालू हो गया। मैं
वोडाफोन कंपनी में ट्रेनिंग देने के लिए जाता था आज से 5-6 साल पहले, और जब मैं गया एक दिन ऑफिस में तो मैंने देखा कि सारी दीवारें पेंटेड है, एक पोस्टर लगा हुआ है, यू आर अनस्टॉपेबल। मैंने पूछा क्या है? बोला ये सर हमारी इस साल की थीम है, हमें एयरटेल को क्रश करना है, हमें आइडिया को क्रश करना है, वोडाफोन नीड्स टू बिकम नंबर वन, एंड दे स्टार्टेड विद वी आर अनस्टॉपेबल। ना सिर्फ इतना, उन्होंने उस थीम के अकॉर्डिंग वीडियोज बनाए, हर मीटिंग के पहले वो स्पेसिफिक वीडियो जो उन्होंने बनाए उनको प्ले करते थे, हर आदमी को जोश आ जाता था, एंड दैट ईयर वोडाफोन जस्ट फ्लू। माय डियर फ्रेंड्स, वोडाफोन का फ्लाइट हो गया उसी साल। ऐसे ही एक बुक में मैंने पढ़ा था कि डेल एक बार काफी नीचे जा रहा था, डेल की कंपनी का शेयर मार्केट में स्तर नीचे गिरता जा रहा था, उनकी सेल कम होती जा रही थी। माइकल डेल ने एक बहुत जबरदस्त थीम बनाई, उन्होंने थीम बनाई वॉर, अब तो वॉर है। और माइकल डेल जिस दिन वो थीम बन रही थी, जिस दिन उस थीम का लॉन्च था, हाथी में बैठ के अपने ऑफिस के अंदर एंटर हुए एक बहुत बड़े वॉरियर के थ्रू, वॉरियर की तरह ढोल नंगाड़े जाए गए, पूरे ऑफिस की हर एक चीज को, हर एक क्यूबिकल को छावनी में तब्दील कर दिया गया। माइकल डेल ने कहा अब तो वॉर है। दोस्तों, विद इन थ्री मंथ्स व्हेन हिज टीम लिव्ड दैट पर्टिकुलर थीम, डेल केम बैक, डेल बाउंस्ड बैक। एक बार नाइकी ने थीम बनाया, नाइकी कंपनी जब एडिडास से पीछे थी तो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में चर्चा की और एक थीम बनाई, क्रश एडिडास। And overnight their focus became, we need to become better than Adidas. पहले वो सिर्फ जूते बनाते थे, then they started making various sports equipments, various sports related, you know, costumes and this and that and caps and shoes में भी हजारों तरह की variety वो लाने लगे, they became number one today and their formula became just do it. So दोस्तों, कहने का मतलब क्या है? Have the theme, छोटी छोटी theme बनाइए। जैसे एक मेरे एंटरप्रेन्योर हैं जिनको मैंने कोच किया था, उन्होंने एक थीम बनाई, एवरी वीक वन सॉल्यूशन, सिंपल थीम। देयर वाज अ कंपनी व्हिच वाज स्ट्रगलिंग विद टीम प्रॉब्लम्स, देन द नारा केम, द थीम केम, वन टीम वन ड्रीम। इट वाज पेंटेड, इट वाज स्लोगन, इट वाज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, क्या थीम स्लोगन में ही होनी चाहिए? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है आपका थीम अलग हो और स्लोगन अलग हो। अगर थीम और स्लोगन दोनों एक हो गया तो नथिंग लाइक इट, बट अगर स्लोगन भी अलग हो सकता है, थीम अलग हो सकती है, दैट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल माई डियर फ्रेंड्स, बट द आइडिया बिहाइंड इट इज थीम। आपसे पढ़ाई नहीं होती, आप स्टूडेंट है, मेक अ थीम। आपको मैथ्स अच्छी नहीं लगती, मेक अ थीम। आप हाउसवाइफ हैं और आपका घर ऑर्गेनाइज नहीं है, मेक अ थीम। अगर आपका सेल्स ऑर्गेनाइज नहीं है, मेक अ थीम। आपका क्वालिटी इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है, मेक अ थीम। आप पब्लिक स्पीकिंग में बढ़िया बनना चाहते हैं, मेक अ थीम। आप पॉलिटिक्स में बढ़िया बनना चाहते हैं, मेक अ थीम। आप हजारों लोगों को जोड़ना चाहते हैं, मेक अ थीम। मैं देश को बदलना चाहता हूं, मैं देश के हर एक इंसान को देश के बारे में सोचने पे मजबूर करना चाहता हूं, तो मैंने भी एक थीम बना दी, एंड द थीम इज द मैड इंडिया मूवमेंट। मैड इंडिया मूवमेंट मेरा इसका फेसबुक पेज है, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी साल मुझे ये थीम सूझी है। अब इस थीम के तहत ही मुझे पहला आइडिया आया कि क्यों ना 300 फ्री वीडियोस बना दिए जाएं और हर एक इंसान को उन वीडियोस में से उनको जो चाहिए वो दे दिया जाए। सो ये वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। सो अगर 300 लोग, 3000 लोग, 300,000 लोग, जितने भी लोग इनको देखेंगे, दे विल डेफिनेटली स्टार्ट चेंजिंग एंड दे विल बिकम मैड। You and I need to become mad, क्योंकि देखिए मुट्ठी भर जापानीज मैड बन गए, उन्होंने जापान को नंबर वन ताकत बना दिया। मुट्ठी भर सिंगापुर के लोग मैड बन गए, उन्होंने सिंगापुर को ताकत बना दिया। मैड मीन्स मेक ए डिफरेंस। हम 125 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, 125 करोड़ हिंदुस्तानी अगर मैड बन गए अपने बारे में, अपनी सक्सेस को लेके, अपने आप को बड़ा बनाने में, बुद्धिमान बनाने में लग गए, अपनी स्किल्स को बढ़ाने में लग गए, हम लोग विश्व गुरु थे एंड हम विश्व गुरु का दर्जा हमेशा हमारे पास ही रहेगा। कोई आके हमें हिला नहीं पाएगा, कोई आके हमें झकझोर नहीं पाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, टुडे इटसेल्फ क्रिएट अ थीम, जॉइन माय मैड इंडिया मूवमेंट, सो दैट वी ऑल कैन स्प्रेड दिस मैडनेस टुगेदर इन ईच एंड एवरी हाउस, इन ईच एंड एवरी पर्सन्स माइंड, सो दैट वी कैन बिकम ग्रेट नेशन अगेन। आज का आपका होमवर्क, फाइंड आउट दैट वन एरिया जिसमें कि आपको सबसे ज़्यादा एक्सेल करना है, एंड मेक अ थीम। इट कैन बी एनीथिंग। जैसे हमने कहा हमें वेट कम करना है दम तो कर कम, इन द सेम वे यू मेक अ थीम इन दैट पर्टिकुलर एरिया एंड स्टिक टू दैट थीम। इस साल का मेरा एक थीम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हाट इज दैट। जैसे मैंने आपको बताया द मैड इंडिया मूवमेंट इज वन ऑफ माई थीम्स, ऐसे ही मेरा एक दूसरा थीम है
द डिसीजन ऑफ डिसिप्लिन. इस साल मैंने डिसीजन लिया है कि आई विल बी द मोस्ट डिसिप्लिन्ड पर्सन ऑन दिस प्लैनेट. आई वुड हैव डिसिप्लिन इन एवरी एरिया, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हेल्थ का डिसिप्लिन, ईटिंग का डिसिप्लिन, रीडिंग का डिसिप्लिन, क्या बात करना उसका डिसिप्लिन, वीडियो रिकॉर्डिंग का डिसिप्लिन, वीडियो के थ्रू हर आदमी को इंस्पायर करने का डिसिप्लिन. दिस ईयर आई एम गोइंग टू हैव अ सेंट्रलाइज्ड थीम विच इज डिसीजन ऑफ डिसिप्लिन. व्हाट इज योर थीम टुडे इटसेल्फ? डिसाइड, मेक इट, ब्रांड इट. अगर आप एक घर में रहते हैं तो घर में पोस्टर लगा दीजिए उस थीम के. फोकस ऑन इट एंड आई एश्योर यू विल बी एबल टू चेंज दैट वन एरिया विच इज द मोस्ट पेनफुल एरिया ऑफ योर लाइफ, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ योर लाइफ. वो एरिया पे फोकस कीजिए जिससे कि आपको 80% सक्सेस मिलने में मदद मिले. मुझे पता है अगर मेरे अंदर गांधी जैसा डिसिप्लिन आ गया तो आई कैन चेंज द वर्ल्ड फास्टर. इन द सेम वे आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन दैट वन थिंग विच यू कैन, वी कैन हैव इनसाइड, विच यू कैन चेंज इन यू, एंड दैट कैन हेल्प यू चेंज एवरीथिंग आउटसाइड. ऑलराइट, हैव अ ग्रेट टाइम. थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड, लव यू.